हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रकाश, हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ नए और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आए हैं, और अपडेट है डीएनबी काउंसलिंग 2020 से रिलेटेड। डीएनबी काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है counseling.nbe.edu.in, उस पर एक दो नोटिफिकेशन आई है। आइए देखते हैं कि क्या है अपडेट्स इन नोटिफिकेशन में, और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे स्क्रीन पे, पहली नोटिफिकेशन जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है, स्पॉन्सर्ड डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस एंड पोस्ट डिप्लोमा सीट्स की। स्पॉन्सर्ड डीएनबी सीट्स वो सीट्स होते हैं दोस्तों जो कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करती है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्राइटेरिया है इनकी, आइए देखते हैं। जो जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनमस, पीएसयू एक्सेट्रा वगैरह, वो एलिजिबल है पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी सीट्स के लिए। या और जो स्टूडेंट्स के पास एमबीबीएस डिग्री है, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट है, जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा, या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एमबीबीएस क्वालिफिकेशन की, जो कि इशू की गई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट मेडिकल काउंसिल, और जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस सीट्स के लिए। अगली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पोस्ट डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा सीट्स के लिए है। पहली जो क्राइटेरिया है वो सेम है, जो जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनमस या पीएसयू हो, पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एलिजिबल हैं स्पॉन्सर्ड डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा सीट्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स पास कर गए हैं फाइनल एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से, जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जिन्होंने एग्जामिनेशन 30 नवंबर 2019 से पहले या उस दिन पास की है, और जो अपियर हुए हैं डीएनबी पीडीसीईटी 2020 में, तो ये स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस एंड पोस्ट डिप्लोमा सीट्स के लिए। और इन स्टूडेंट्स को एक अंडरटेकिंग और एक एनओसी सबमिट करनी है। अंडरटेकिंग एंड एनओसी counseling.cc@netbo.edu.in, ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है, यहाँ पर सबमिट करनी है, और 30 जून 2020 तक सबमिट करनी है। तो ये हो गई पहली नोटिफिकेशन दोस्तों, आइए देखते हैं आगे दूसरी नोटिफिकेशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, डीएनबी काउंसलिंग की प्रोसेस जो है, काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो चल रही है। डीएनबी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है सेकंड राउंड के लिए। तो कैंडिडेट्स के पास जो क्या क्या ऑप्शन दी गई है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, वो देखते हैं। उससे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस है। तो कैंडिडेट्स के पास ऐड, एडिट एंड मॉडिफाई की ऑप्शंस हैं चॉइस ऑफ सीट्स के लिए सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की, मतलब कि वो ऐड कर सकते हैं कोई ऑप्शन, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कोई ऑप्शन वो ऐड कर सकते हैं, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल कॉलेज की ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या मॉडिफाई कर सकते हैं उसकी चॉइस फिलिंग की प्रायोरिटी। सपोज फोर्थ और फिफ्थ स्पॉट पे क्या प्रायोरिटी है, फोर्थ उसको रीशफल कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस को अप की चॉइसेस को अप डाउन कर सकते हैं, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि केयरफुली प्रेफरेंस रखें सीट्स की, और लॉक कर दे, लॉक एंड कंफर्म ज़रूर करें, ताकि सिस्टम को भी ये पता चले कि उन्होंने लॉक कर दी है।
जो स्टूडेंट्स लॉक एंड कंफर्म ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे तो सिस्टम ये समझेगा कि उन्होंने चॉइसेस जो है एक्सेप्ट नहीं की है, उन्होंने चॉइसेस लॉक नहीं की है, और सिस्टम चॉइसेस को, सीट्स की चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा और स्टूडेंट को कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगी। तो लॉक एंड कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, लॉक एंड कंफर्म नहीं किया या नो ऑप्शन पे भी नहीं गए, तो एक तरीके का इनएक्शन सिस्टम मानेगा। इनएक्शन मानने पे आपकी अलॉटमेंट भी चली जाएगी और आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, आप काउंसलिंग से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप कंफर्म करें, लॉक करें, या अगर आपको नहीं लेना है सीट, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में प्रोसीड करना है, तो नो पे एटलीस्ट क्लिक कर दें। कोई एक्शन ज़रूर पे, किसी एक एक्शन पे ज़रूर क्लिक करें। अगर नहीं करेंगे तो वो इनएक्शन मानेगा सिस्टम और आप एग्जिट भी हो जाएंगे और आपको अलॉटमेंट भी नहीं होगी सीट की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इन्हें से ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जो मेंशन की गई है, ये थर्ड राउंड में भी अप्लाई होंगी। तो ये हो गई दोस्तों दूसरी अपडेट, दूसरी नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है कि आपको क्या एक्शन लेना है। कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना है, लॉक कंफर्म करना है। अगर आपको अलॉटमेंट हो गई है तो आपको लॉक करना है, कंफर्म करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको आपने लॉक एंड कंफर्म नहीं की तो एटलीस्ट नो पे क्लिक करना है। तो इनएक्शन नहीं होना चाहिए, इनएक्शन होने से आप एग्जिट हो जाएंगे और आपको अलॉटमेंट भी नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स है दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स ऑन टाइम मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प या काउंसलिंग गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर प्रकाश साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन। थैंक यू।